मुश्किल भी नहीं है। तो अगर आप योग नहीं करते हैं तो वो शुरुआत आज से ही कर सकते हैं। थोड़ा इतिहास में आपको लेके जाते हैं। माना जाता है कि जब से सभ्यता शुरू हुई है तभी से योग किया जा रहा है। योग के विज्ञान की उत्पत्ति हजारों साल पहले हुई थी। भारत के ऋषि मुनियों से शुरू हुआ योग कैसे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में परिवर्तित हुआ, जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है जोड़ना या विलय करना, जो भौतिक शरीर और मानसिक चेतना के संलयन का प्रतिनिधित्व करता है। हमारे देश में योग आज की नहीं बल्कि सदियों पुरानी परंपरा है, जिसे आदि योगी ने सप्त ऋषियों को दिया था। सप्त ऋषियों ने ही योग विज्ञान को एशिया, मध्य पूर्व, उत्तरी अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका सहित विश्व के अलग अलग जगहों पर पहुंचाया। इसी के साथ अगस्त्य नामक ऋषि ने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप का दौरा किया और यौगिक तरीके से जीवन जीने के इर्द गिर्द इस संस्कृति को गढ़ा। आज भी लोक परंपराओं, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक एवं उपनिषद की विरासत, बौद्ध एवं जैन परंपराओं, दर्शनों, महाभारत एवं रामायण नामक महाकाव्यों, शैवों, वैष्णवों की आस्तिक परंपराओं एवं तांत्रिक परंपराओं में योग की मौजूदगी है। वैदिक काल के दौरान सूर्य को सबसे अधिक महत्व दिया गया था और इस प्रभाव की वजह से आगे चलकर सूर्य नमस्कार की प्रथा का भी आविष्कार किया गया। भारत की इसी परंपरा को जीवित रखने का बीड़ा उठाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 69वें सत्र के उद्घाटन के दौरान अपने संबोधन में योग दिवस का प्रस्ताव रखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि योग हमारी प्राचीन परंपरा का एक अमूल्य उपहार है। योग मन और शरीर, विचार और क्रिया की एकता का प्रतीक है। योग मन व शरीर, विचार व कर्म, संयम व उपलब्धि की एकात्मता का तथा मानव व प्रकृति के बीच सामंजस्य का मूर्त रूप है। यह स्वास्थ्य व कल्याण का समग्र दृष्टिकोण है। योग केवल व्यायाम भर न होकर अपने आप से तथा विश्व व प्रकृति के साथ तादात्म्य को प्राप्त करने का माध्यम है। यह हमारी जीवन शैली में परिवर्तन लाकर तथा हम में जागरूकता उत्पन्न करके जलवायु परिवर्तन से लड़ने में सहायक हो सकता है। आइए हम एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को आरंभ करने की दिशा में कार्य करें। प्रधानमंत्री के इसी प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ ने 90 दिनों के अंदर ही पूर्ण बहुमत से इसे पारित किया और 11 दिसंबर 2014 को 21 जून का दिन
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के तौर पर घोषित किया था। भारत द्वारा दिए गए इस प्रस्ताव को रिकॉर्ड 175 देशों का समर्थन मिला। हमारे भारतवर्ष में प्रकृति के प्रति आदर भाव आध्यात्म का अभिन्न अंग है। हम प्रकृति की देन को पवित्र मानते हैं और मैं आज एक और विषय पर भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जब हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, हम होलिस्टिक हेल्थ केयर की बात करते हैं, हम प्रकृति के साथ जुड़ने की बात करते हैं, हम जब बैक टू बेसिक की बात करते हैं, तब मैं उस विषय पर आज विशेष रूप से आपसे एक बात कहना चाहता हूं। योग हमारी पुरातन पारंपरिक अमूल्य देन है। हमारा भारत ही है जहां योग पहली बार एक शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक अनुशासन के रूप में उभरा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित होने के बाद पहली बार इसे साल 2015 में 21 जून को मनाया गया और तब से हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में पूरा विश्व मनाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़।